हाय गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल लविश पर। दोस्तों मेरे पास है स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स का N2B, जिसकी आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको डिटेल स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में। और हाँ यार, काफी ज्यादा अच्छे प्राइस पे आता है, मतलब 4GB रैम 64GB से स्टार्ट किया माइक्रोमैक्स ने। यहाँ पे 3/32 से स्टार्ट ही नहीं किया कि भाई छोड़ो 3/32 को, हम तो 4GB से स्टार्ट करेंगे। और जो इसी का 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस आपको आज के टाइम 8,500 देखने को मिलता है। पहले जो इसी का प्राइस था वो था दोस्तों 7,999 रुपीज, मतलब 8,000। मतलब बाकी कंपनीज अपने फोन के प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो माइक्रोमैक्स ने सोचा हम क्यों पीछे नहीं भाई, हम भी बढ़ाएंगे ना। हाँ बढ़ाएंगे, पागल है क्या। तो अभी इसका प्राइस आपको 8,500 देखने को मिलता है, जो इसी का 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है। और जो इसी का हायर वेरिएंट है 6GB रैम 64GB वेरिएंट, उसका प्राइस आपको 9,500 देखने को मिलता है। मतलब यार, इस प्राइस रेंज के हिसाब से भी काफी ज्यादा ये अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है माइक्रोमैक्स का N2B, इसी के फीचर्स के अकॉर्डिंगली। मतलब बाकी बात है यार, बाद में करते हैं आज की इसी वीडियो को इसी माइक्रोमैक्स N2B की अनबॉक्सिंग के साथ में। चलिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे ये माइक्रोमैक्स N2B स्मार्टफोन का बॉक्स। आपको ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिलता है, वही यार #info4india हो अबाउट यू, काफी अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। N2B की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है बाय माइक्रोमैक्स। यहाँ पे साइड पे कुछ भी नहीं है, पीछे की साइड यहाँ पे 4GB रैम 64GB वेरिएंट माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे कुछ की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, एंड्रॉइड की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे एक QR कोड का स्कैनर दिया हुआ है, 2B की ब्रांडिंग दी हुई है। नीचे की साइड यहाँ पे MRP वगैरह लिखी हुई है, कुछ की स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। मेरे पास ये ब्लैक कलर में आता है और इसी की जो MRP है वो आपको 10,499 देखने को मिलती है, बट इसी की जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको 8,500 देखने को मिलती है। ऊपर की साइड इसी का IMEI नंबर वगैरह लिखा हुआ है। जल्दी से दोस्तों इसी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तब तक अगर आपने हमारी ये वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए जाके दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बॉक्स देखने को मिलता है, मैं जल्दी से इसी की प्रोडक्शन को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं। इसी की सील को भी यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है, सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक प्रोडक्शन प्लान का एक कार्ड देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे फोन देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स N2B, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके नीचे एक और सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक TPU केस देखने को मिल जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है यहाँ पे। हाँ यार, यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो काफी कंपनीज स्किप कर जाती है महंगे महंगे फोन में भी, जो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। इसको भी साइड पे रख देते हैं हम। यहाँ पे आपको कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाती है, जो मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, आप देख लेना क्या आपने अगर पढ़नी है तो यहाँ पे इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है, जो 10 वोल्ट का है, काफी छोटा सा चार्जर है, जैसे आपको एप्पल का चार्जर देखने को मिलता है वैसे ही कुछ डिजाइन है, काफी अच्छा लग रहा है। 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक केबल देखने को मिल जाती है, जो USB टाइप सी के साथ में है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं। इसकी बॉक्स को मैं जल्दी से साइड पे रख देता हूँ और हम बात करते हैं मेन फोन के बारे में। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फोन देखने को मिलता है, काफी अच्छा लग रहा है, डिजाइन वाइज काफी अच्छा लग रहा है। किसी की प्रोडक्शन को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। किसी की यहाँ पे प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं जल्दी से। यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसी का डिजाइन, पर्सनली मुझे ब्लैक कलर इसी का काफी ज्यादा अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे आपको टेक्सचर जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, काफी अच्छा है। इनकी यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, AI कैमरा लिखा हुआ है, पीछे की साइड बैक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा अच्छा है। जल्दी से इसी स्मार्टफोन को बूट कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ आगे की वीडियो में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक अगर हम इसी के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो राइट साइड पे आपको पावर ऑफ एंड बटन देखने को मिल जाता है, ठीक उसी के ऊपर वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं देखने को मिलता है नॉइज कैंसलेशन के लिए, आपको दिखाना भूल गया। इसी के सेक्शन के अंदर आपको सिम टूल भी देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन के साथ में आता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको कौन सी सिम ट्रे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलता है, ड्यूल सिम लगा सकते हो और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, काफी अच्छी बात हो जाती है इसी के प्राइस के अकॉर्डिंग। इसी की साइड आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है, 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। नीचे की साइड यहाँ पे आपको एक स्पीकर दिया गया है, नीचे की साइड अगर होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती। यहाँ पे पीछे की साइड का स्पीकर का नुकसान ये है कि अगर आप अपने फोन को किसी फ्लैट सरफेस पे रख देते हो तो काफी ज्यादा यहाँ पे आवाज दब सकती है, जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे स्पीकर अगर नीचे की साइड होता तो काफी ज्यादा बेटर होता है, ये माइक्रोमैक्स को सजेशन हो जाता है हमारा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फोन देखने को मिलता है, जल्दी से मैं इसी स्मार्टफोन का सेटअप कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको आगे की वीडियो में।
चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने इसी माइक्रोमैक्स N2P स्मार्टफोन का सेटअप कर लिया है। और अब अगर बात करूंगी मुझे इसी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा प्लस फीचर कौन सा लगा, वो है दोस्तों कि इस स्मार्टफोन में आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। बाद मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलते, कोई भी आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं देखने को मिलती, मतलब काफी ज्यादा लाइट वर्जन आपको देखने को मिलता है। काफी ज्यादा अच्छा फील होता है इसी स्मार्टफोन को यूज करके। सेटअप के बाद में जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी, इसके अंदर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको यूनी एसओसी का 3610 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 12 nm की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। मतलब आप ये तो दूर की बात है कि आपका फोन लैग होगा, मतलब आप BGMI तक प्ले कर सकते हो 40 fps तक, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी इसी के प्रोसेसर को लेके। आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर इसी की डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.52 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 720p के साथ में, जो नो डाउट है तो काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले है। कलर्स वगैरह काफी ज्यादा ब्राइट लगते हैं, मतलब मुझे इसी डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आई। मतलब काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले मुझे लगी इसी की। कलर्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन किए हैं माइक्रोमैक्स ने, यहाँ पे कलर सैचुरेशन वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है। डिस्प्ले वाइज मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर बात करें इसी की बैटरी की, तो इसके अंदर दोस्तों आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बैटरी हो जाती है। आपको यहाँ पे 10 W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये लगा कि इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर रियलमी का भी स्मार्टफोन आया था, जिसकी हमने कल अनबॉक्सिंग की थी, रियलमी C21Y। इसके अंदर आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, बट इसके अंदर यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने हमें टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया, जो यहाँ पे प्लस फीचर हो जाता है। बात करें इसी के कैमरास की, तो इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे की तरफ। यहाँ पे 13 MP का मेन कैमरा है जो प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का यहाँ पे डेप्थ के लिए कैमरा है। फ्रंट पे भी आपको 5 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। का जो सेल्फी कैमरा अगर वो थोड़ा सा इंप्रूव होता है, यहाँ पे 8 MP का होता है, यहाँ पे क्वालिटी का थोड़ी सी अच्छी होती तो यहाँ पे अच्छी बात हो जाती। बाकी इसी का जो 13 MP का रियर कैमरा है, वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली काफी अच्छी फोटोज आ जाती हैं। जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे फोटो शेयर कर रहा हूँ, वो मैंने इसी के फ्रंट और रियर कैमरे से क्लिक की है, डिफरेंट मोड्स को यूज करते हुए। इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है, मैक्रो मोड, डेप्थ मोड, आपको सारे मोड देखने को मिल जाते हैं जो आपको डेली लाइफ यूजेस में चाहिए होते हैं। तो कैमरा क्वालिटी मुझे इसी की काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर और बात करें तो इसके अंदर आपको LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। ड्यूल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। किसी के ज्यादा यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। फेस अनलॉक भी इसका काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा मेंटेन किया माइक्रोमैक्स ने। स्मार्टफोन में आपको कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है। इसी के साथ आपको यहाँ पे Wide 1 L1 का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। अंदर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है, आपको प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है इसी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। कैमरास अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, एक मेड इन इंडिया फोन देखने को मिल जाता है। ऐसे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर माइक्रोमैक्स N2P जो है ये स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है। इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली माइक्रोमैक्स है टक्कर देने वाली है, मतलब बाकी ब्रांड्स को ये तो पक्की बात हो जाती है, क्योंकि ये माइक्रोमैक्स N2P स्मार्टफोन काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा इसी के फीचर्स और इसी के प्राइस के अकॉर्डिंगली। आप मुझे दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये माइक्रोमैक्स N2P स्मार्टफोन कैसे लगा इसी के प्राइस और फीचर्स के अकॉर्डिंगली, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर दोस्तों हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।